लॉकडाउन के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों तक भोजन, मास्क तथा सैनिटाइजर सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके तहत जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा द्वारा ग्राम मिर्जापुर, आजाद चौक, चिड़ियाघर सहित अन्य स्थानों पर गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के भोजन, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण किया गया। जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ द्वारा अपनी पत्नी सीमा शर्मा और पुत्र सिद्धार्थ शर्मा सहित अन्य लोगों के साथ COVID-19 में बहुमूल्य योगदान प्रदान कर रहे सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने सफाई कर्मियों को हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए COVID-19 महामारी के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंद लोगों को जगह जगह जाकर भोजन व अन्य सामग्री वितरित की जा रही है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी को भी विधिक सहायता व अन्य सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के हेल्पलाइन नंबर पर सेवाएं उपलब्ध हैं, जो सभी की सेवा के लिए तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह व जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ ने कहा, जनपद न्यायाधीश यशस्वी अग्रगण शिव प्रभात बस्ती की तरफ से मैं हार्दिक नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पास पास न खड़े हो, दूरी बनाए, दूरी बनाए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, दूरी बनाए, दूरी बनाए। आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का अभिवादन, सभी को बधाइयां, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के जिला जज हैं, जनपद न्यायाधीश बनकर के आए हैं, ठीक है, आप लोग इनका भी स्वागत करें जोरदार तालियों का। दूरी बना ली भाई साहब, ये उठा दिया, ये भाई साहब लाइन पकड़े, लाइन पकड़े, कोई जगह नहीं छोड़ेगा, अपने जगह आप लोग ये सब समझे। सर मैंने लगातार करोड़ों का कर दिया, चलते जाइए केला भी, केला भी, केला हाँ ऊपर से निर्देश है, कोई फेसबुक पर नहीं डाल, केला देते जाइए, केला देते केला देते नहीं मिला केला, दो केला देते जल्दी चलो केला दे दो, चलिए ठीक है, हो जाए, तेजी से आप करते जाइए। तो मैडम के भी हाथ से एक जो हो जाएगा, लाइन का जी लाइन का ही फोटो खींच लीजिए, चलिए आप और लेता जाए और जो मिल जाए होता जाए, दूरी बना रहो सर, दूरी बनाओ, हाँ के लाइन में लाइन 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 खट्टी करिए, आप दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, बना लो बेटा फोटो खींचे, फिर लाइन लगाओ, दूर दूर रहिए, आराम से कितने मजदूर हैं, कौन लोग हैं, बहुत लेबर है, बुलवा लो,
राहुल कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रत्येक दिवस पे ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो अन्न से त्रस्त है, उनके लिए हम डेली जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार हम यहाँ भोजन का उपलब्ध कराते हैं। इसी अनुक्रम में आज हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अदा चौराहे पे लगभग 500 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। वहाँ पे उपस्थित जो सफाई कर्मी हैं उनको पुष्प वर्षा करके उनको सम्मानित किया गया, उनको सैनिटाइजर, उनको मास्क उपलब्ध कराया गया। इसके बाद हम लोग ये चिड़ियाघर में आए, चूँकि चिड़ियाघर का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो इनको खाना नहीं मिल पा रहा है, बहुत बाहर से आके पलायन करके यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी और यहाँ टेंटों में रह रहे हैं, उनके लिए भी हमने खाने की आज व्यवस्था कराई है। और हमारे ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यक्रम है, ये संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जगह जगह जाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ऐसे लोगों को जो इनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खाना उपलब्ध कराएगी। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का ये मूल मंत्र है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन लोगों के लिए तत्पर है और इनकी सारी सहायता की जाएगी जो भी इनको आवश्यक होगा। सर, यह प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? यह प्रक्रिया पूरे लॉकडाउन तक रहेगा, जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ रही है। इसके अतिरिक्त हम अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की है कि अगर किसी को कोई विधिक सहायता की आवश्यकता हो या किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता हो तो हम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके उसे यथासंभव उसे तत्काल निपटारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे तमाम कॉल्स और तमाम हेल्प हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनका पूरा हम ब्यौरा रख रहे हैं और हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम इस जिले के गरीब, असहाय, बूढ़े तथा ऐसे अक्षम व्यक्तियों को, जिनको खाना इस कोरोना के महामारी के दौरान नहीं मिल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ढूंढकर खाना फलाद प्रदान करें। इस कार्य में हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और हमारे सीनियर ADJ शशि जी, हमारा मुख्य प्रशासन के अधिकारी सब हमारे साथ, मेरी पत्नी के साथ उपस्थित हुए हैं, मेरा पुत्र यहाँ आया हुआ है। हम सभी मिलकर के ये चाहते हैं कि यहाँ समाज के गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन, फल आदि आवश्यक चीज़ें, जिसमें हमने सैनिटाइजर तथा मास्क वगैरह प्रदान किए हैं। और यहाँ पर हमारे समाज के बड़े बड़े उत्तम व्यक्ति हमारे भाई श्री डॉक्टर शर्मा जी उपस्थित हैं और ये भी इसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। ये समाज के लिए हम जितना करेंगे हमको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। हम अपने सरकार का, अपने माननीय न्यायालयों का, अपने सुप्रीम कोर्टों का आदेश का पालन भी कर रहे हैं और हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और अपनी मन की संतुष्टि के लिए भी ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो फिर यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा वितरण हो रहा है, फल तथा जो खाद्य पदार्थ यहाँ वितरण हो रहा है, उसको हम नहीं चाहते कि हम किसी TV पर या किसी चैनल पर दिखाएं। हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है, इसलिए हमने उनको जो सामान वितरित किया है हम उसको डिस्प्ले नहीं कर रहे। आपने जो पूछा है उतना हमने बता दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप भी ऐसी महामारी के दौरान समाज में घूम रहे हैं और हम समाज को जो है समाज की सारी परेशानियाँ भी हमको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा व्यक्ति जो खाने के बगैर हम लोग वहाँ जा भी रहे। और हमारा और हर विभाग का, समाज के हर व्यक्ति का जो करने लायक है सबका फर्ज है वो करे। हमें अपने सारे कर्मचारियों का, अपने सारे अधिकारियों का वाकई आभार व्यक्त करता हूँ जो अपने 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 धन से जो भी निकाल पा रहे हैं अपना सम्मिलित रूप से दे रहे हैं और हम सब मिल करके सब ये कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ आए और आपने भी मशक्कत की, धन्यवाद।